उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बहा रहा है पर सिर्फ तारीख पे तारीख पा रहा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। सलमान खान आजकल अपनी फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इसी सिलसिले में वो द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे थे। यहाँ कपिल फिल्म की मेकिंग और शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने सलमान से एक सवाल पूछा। उसके जवाब में सलमान ने शो से कपिल की छुट्टी करने की बात ही कह दी। सलमान ने कपिल को शो से बाहर करने की बात शो के प्रोड्यूसर की हैसियत से कही थी। कपिल की कंपनी K9 प्रोडक्शन हाउस के अलावा सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस इस शो में पैसा लगाता है। जिन लोगों को ये बात पता नहीं, उन्हें कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का फेमस झगड़ा यानी कि वर्ल्ड फेमस झगड़ा तो याद ही होगा। तब दोनों कॉमेडियन के बीच सुलह कराने के लिए खुद सलमान खान आगे आए थे, क्योंकि ये भाईचारे से ज़्यादा शो के हित के लिए था। वो अलग बात है कि शो को लेकर दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो पाया। सलमान खान वाले एपिसोड में हुआ ये कि कपिल ने सलमान की खिंचाई करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि पहली दबंग में सलमान भाई सिर्फ एक्टर थे, जब दबंग 2 आई उसमें सलमान भाई एक्टर और प्रोड्यूसर थे, अब दबंग 3 आई इसमें एक्टर प्रोड्यूसर और राइटर हैं, दबंग 4 जब आएगी तो भाई उसमें किसकी पोस्ट जाने वाली है। इस पर सलमान ने कहा कि इसका जवाब है कपिल शर्मा शो, अगले सीजन में कपिल शर्मा जाएंगे। इतना कहते ही सलमान और खुद कपिल भी हंस पड़े और ऑडियंस में बैठे लोग भी ताली बजाने लगे। सोशल मीडिया पर शो के इस हिस्से का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन द कपिल शर्मा शो के लिए पिछले हफ्ते एक बुरी खबर आ चुकी है। ये शो टीवी के टॉप 5 सीरियल की TRP वाली लिस्ट से आउट हो चुका है। 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया की रेटिंग में पहले नंबर पर ZTV का शो कुंडली भाग्य है और द कपिल शर्मा शो 6 नंबर पर है। इससे पहले के हफ्ते में कपिल के शो की रेटिंग 7 थी। हाल ही में कपिल पापा बने हैं, उनकी पत्नी गिनी ने एक बेटी को जन्म दिया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि भाई कपिल शर्मा शो उनके हाथ में ही रहे और उनके हाथ से ना जाए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आपका ललन टॉप आपकी वजह से 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स की संख्या पार कर चुका है। अब बारी है जश्न मनाने की। फोन उठाइए, वीडियो बनाइए, बोलिए अपनी जबान में 1 करोड़ में 1 में भी ललन टॉप। शूट करें अपना वीडियो और भेज दें lallantopmail@gmail.com पर। आइए और जश्न का हिस्सा बनिए, क्योंकि 1 करोड़ में 1 आप ही ललन टॉप।